आज हम संविदा वर्ग 3 का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपके पास 6 क्लास 7th और 8th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी मैथ्स की बुक होना अति आवश्यक है। उसमें चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस नंबर सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट सब पॉइंट दिए हुए हैं, उनका मैं चैप्टर नंबर और पेज नंबर बताने की कोशिश करूँगी। फैक्टर्स और मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, एलसीएम, एचसीएफ और डिविजिबल रूल, ये सारे आपको 6 क्लास के थर्ड चैप्टर में कंप्लीट मिल जाएगा। आगे होल नंबर, जिसमें पूर्ववर्ती और परवर्ती दिया हुआ है, जिसमें 6 क्लास का मैथ्स के बुक में चैप्टर नंबर 2 पे मिल जाएगा। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जो 7th क्लास की मैथ्स के बुक में फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। और रैशनल नंबर, वो आपको 7th क्लास के 9th चैप्टर और 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, ये आपको 8th क्लास का 6th चैप्टर और 8th क्लास का 7th चैप्टर में आपको ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। आगे और पॉइंट दिए गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर 5 डिजिट तक का प्लस और माइनस करना, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और हिंदू अरेबियन संख्या और रोमन संख्या, ये आपको 6th क्लास का मैथ्स के बुक में चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा। ये नंबर सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैक्शन भिन्न, जिसमें सम भिन्न क्या है, विषम भिन्न क्या है, समतुल्य भिन्न है, इन सम भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये सारे ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेटिव और फ्रैक्शन से आपको पॉइंट में बदलना और भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदलने की, ये सारी आपको 6th क्लास का चैप्टर नंबर 7 और 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 में कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है। आगे पॉइंट दिया हुआ है मेजरमेंट मापन का, जिसमें एलसीएम को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, जिसमें लंबाई है, भार है, किलोमीटर है, मिलीमीटर में, बड़ी संख्याओं को छोटी मेजरमेंट करना और बड़ी छोटे को बड़े, ये सारा डिटेल आपको 6th क्लास के 8th चैप्टर में और 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्री, ज्यामिति का, जिसमें आपको पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट पढ़ना पड़ेगा, लाइन और इंटरसेक्ट प्रतिच्छेदी रेखाएं भी पढ़नी पड़ेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, रे और कर्व्स, ये सारी ज्योमेट्री में पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्री का जो कंप्लीट सिलेबस जो दिया हुआ है आपको 6th क्लास का मैथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 4 और 7th क्लास की मैथ्स के बुक में चैप्टर नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कल, इस सर्कल के लिए, पूरे पॉइंट के लिए आपको 6th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको रेडियस, सेगमेंट, जीवा, त्रिज्यखंड और परिधि सब अच्छे से दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइंगल, इसके जो टाइप दिए हुए हैं साइड के बेस में और एंगल के बेस में, कि आपको 6th क्लास के चैप्टर नंबर 5 में पेज नंबर 112 पे मिल जाएगा और इसकी प्रॉपर्टीज आपको 7th क्लास के चैप्टर नंबर 7 और 6 में मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसमें आपको सिर्फ 2D फिगर के बारे में ही पढ़ना है। तो 2D फिगर में आपको आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज, ये सारे कुछ पढ़ना हुआ है। तो इसमें आपको 6th क्लास का चैप्टर नंबर 10 और 7th क्लास का चैप्टर नंबर 11 और 8th क्लास का चैप्टर नंबर 11 पढ़ना पड़ेगा। इस मेंसुरेशन में आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ता है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना, तो इन सारे 2D फिगर के आपको सारे के फॉर्मूला याद करना होगा। हमारा लास्ट पॉइंट है डेटा हैंडलिंग का, दंड आरेख का, इसमें बार ग्राफ मिलेगा आपको, वृत्त चित्र, आयत चित्र और रेखा आलेख, आपको 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5, 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और 6th क्लास का चैप्टर नंबर 9। मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस कंटेंट पार्ट कंप्लीट करने के लिए आपको 6th क्लास,
सेवन्थ स्टैंडर्ड और एट्थ स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बुक होना अति आवश्यक है। इसी के अकॉर्डिंग जो मेरे पास रखी हुई हैं, इन सारी बुक में आप पढ़ेंगे तो इन सारी जो पेज नंबर बताई हूँ वह एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बताई हूँ, सिक्स क्लास, सेवन्थ क्लास और एट्थ क्लास की मैथ्स की बुक। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं क्योंकि इस एनसीईआरटी बुक में बहुत ही सरल भाषाओं में अच्छे से और डिटेल से लिखी हुई है, जो एक प्रैक्टिकल के रूप में जिसमें हमको पढ़ने में और आसानी और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप यही कहेंगे कि आप ये वाला बुक मंग सकते हैं किसी से या फिर खरीद सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं।